ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 31वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ आदि से प्रसन्न नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीपदान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे। नित्य गीत बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्त्रोत, इनसे भगवान की महिमा गावे। पुष्प दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि से पूजित भगवान उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्मल हो गई, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को सहन करावे, दिन को जगावे। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उबटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावे, गुरुचन व तिलक लगावे, वस्त्र आदि पहनावे, पुष्प कुमकुम द्वीप दीप धूप नैवेद्य तथा खीर से हवन करे। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। देव ऋषि पितरों का तर्पण करें। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीप जलावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ देकर तिल जौ खीर का ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गौ मूत्र, त्रयोदशी को गौ दूध, चतुर्दशी को गौ घृत, पूर्णमासी को गौ का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें, द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गौदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याग्रपद गोत्र, संस्कृत प्रबल वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाली भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म 31वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।